न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले से, जहां पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ पूरे बड़वानी जिले में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जी हां, पूरा मुस्लिम समाज पूरे जिले भर में आक्रोश में है और वसीम रिजवी ने धार्मिक पवित्र ग्रंथ कुरान पर अशोभनीय और विवादित टिप्पणी के बाद पूरे बड़वानी जिले में मुस्लिम समाज आक्रोश में है। जगह जगह ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले बड़वानी में जिला सदर इदरीस खान ने भी ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया था। वहीं आज सेंधवा में वसीम रिजवी के पुतले जलाकर नारेबाजी कर मुस्लिम समाज आक्रोश में है। आज सेंधवा SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पवित्र कुरान पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसा आम मुस्लिम जमात सदर सैयद अफजल अली ने कहा है। वहीं उनके साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग आक्रोश में दिखे, पुतले जलाते हुए दिखे। वहीं दूसरी खबर आ रही है निवाली से, जहां निवाली में गोवंश का परिवहन करते हुए पुलिस ने पकड़ा ट्रक ड्राइवर, मौके से फरार हुआ। जी हां, जिले में गोवंश का परिवहन करते हुए ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। निवाली थाना प्रभारी केशव पाटिल की निवाली थाना पुलिस द्वारा पलसुद की ओर से निवाली से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था गोवंश का परिवहन। ट्रक में अन्य नंबर की दो अलग अलग नंबर प्लेटें पाई गई। करीब ट्रक में 54 गोवंश निर्दयता पूर्वक से भरे गए थे, जिसमें 9 बेल और 42 केड़े पाए गए। 3 केड़े की मौत हो गई। सभी को गोवंश को तुरंत गौशाला लाकर मुक्त किया गया। वहीं अंजड़ में भी इसी तरह धर्म जागरण समिति ने गो तस्करों से बचाई गाय और बछड़ों को गौशाला भिजवाया गया। वहीं मौके से फरार हुए, सरकार चाहे जितने प्रयास करे लेकिन गो तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गो तस्करों के चुंगल से बचाकर 3 गाय और 1 बछड़े को धर्म जागरण समिति द्वारा गौशाला भिजवाया गया। गोवंश के बाबत सोमवार को सुबह गोवंश छोड़ने के दौरान बताया गया कि देर रात तकरीबन 1 बजे तलवारा डेब में गांव में अज्ञात लोगों द्वारा गोवंश को काटने के मकसद से लाया गया था, जिसके बाद तलवारा डेब से गुजरने के दौरान गो तस्करों को रोका। समिति सदस्यों द्वारा पुलिस को सूचना देकर डायल 100 समिति सदस्य इसकी तलाश शुरू की गई। गोवंश को बरामद कर गो तस्करी से जुड़े सभी लोग भाग निकले। वहीं तीसरी खबर भी आ रही है बड़वानी से, जहां बड़वानी में 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। कुक्षी से आ रहे 2 आरोपियों को तलुन टेलटेक्स के पास में पकड़ा बड़वानी पुलिस की कार्रवाई। आरोपी रमेश कोली निवासी तलुन, वहीं इंदल सिंह को किया गिरफ्तार। ये जरिया मुखबिर सूचना मिली थी कि कुक्षी तरफ से जो है कुछ लोग गांजा लेके आ रहे हैं। सूचना पर हमने टीम को लगाया था, जो तलुन टोल टैक्स के पास से मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को गांजा ले जाते हुए पकड़ा है और इसमें पुलिस ने अब आगे कार्रवाई कर रही है इनसे पूछताछ कर। सर कितना गांजा था? ये लगभग 5 किलो के करीब गांजा है टोटल और 2 आरोपी है इसमें।